हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह का जनसंपर्क अभियान जारी है। खबरें अभी तक से खास, बातचीत के दौरान रणजीत सिंह ने जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। आपकी चार पांच जनसभाएं देखिए, आप हर जनसभा में कहीं ना कहीं जो मेरिट के आधार पर नौकरियां पिछले 9.5 साल में मिली है उन नौकरियों का बड़ा जिक्र करते हैं। दौलतपुर गांव का आपने जिक्र किया, आप लोगों ने बताया कि 100 के करीब यहां पर नौकरियां मिली है, 100 से ज्यादा नौकरियां मिली। पहले हुड्डा साहब की सरकार में यह था कि हुड्डा साहब केवल क्षेत्रवाद में फंस गए थे, उन्होंने रोहतक से बाहर देखा ही नहीं, उन्हें चश्मा ही रोहतक का लगा हुआ था। नौकरी तो रोहतक कच्ची पक्की पेंशन मशहूर थी कि कच्ची से नंबर लगता है फिर काट के फाइनल में पक्के से देते हैं और पैसा लेके नौकरी, कोई पैसा नहीं किसी गरीब से किसी गांव में चेक कर रहे हैं, लोग लग रहे हैं अपने मेरिट पे लग रहे हैं। हर गरीब अमीर आदमी को मौका मिल रहा है अपनी उसके जो उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल रही है, बड़ा अच्छा मैसेज है। नौकरियों के अलावा सर और ऐसे कौन से मुद्दे जिस पर जो हिसार की जनता है बीजेपी पर विश्वास जता रही है? देखिए लोगों का एक मन बना हुआ है कि देश में अगर बदल में सरकार बनी तो कई प्रधानमंत्री बनेंगे, एक साल मोदी एक साल वो बनेंगे, राहुल गांधी अगले साल केजरीवाल बनेंगे, अगले साल शरद पवार बनेंगे, फिर तेजस्वी यादव बनेंगे, फिर लालू का बेटा बनेगा, फिर डीएमके का कोई बन जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री बनेगा तो देश बर्बाद। लोग बड़े सेंसिटिव है, हमसे ज्यादा समझदार है, हर आदमी कहता है जो पढ़ा लिखा आदमी है समझदार है, हर आदमी कहता है मोदी मोदी। प्रदेश सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी, रणजीत सिंह ने देखिए लगातार खर्ची फर्ची को बंद करने को लेकर सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष गिनवाई है। ताबड़तोड़ प्रचार रणजीत सिंह कर रखे हैं, यहां आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में पहुंच रखे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रखे हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता से रूबरू हो रखे हैं रणजीत सिंह, कांग्रेस पर साथ रखे निशाने। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन के समक्ष रख रखे रणजीत सिंह, जनता से वोट की अपील करते हुए रणजीत सिंह ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं।